Point race event. चलो flag off. चलिए जी, आज की सबसे मोस्ट अवेटेड पॉइंट रेस हो चुकी है शुरू, एंड उम्मीद करते हैं कि 30 लैप्स तक बहुत सारे चार खिलाड़ी जो सबसे ज़्यादा पॉइंट लेंगे वो ही रहेंगे विनर्स. लेकिन इस पॉइंट रेस में 10 किलोमीटर का फास्ट लाइन को तय कर रहा है 30 लैप्स के साथ और 7 स्पीड होने वाले. सो आप सभी लोगों की तालियाँ हौसला अफजाई जोर शोर से होनी चाहिए. लेट्स गो. आप जिस भी ऑल द टीम मैनेजर कोच राइडर लिसन द रिजल्ट ऑफ 4 किलोमीटर इंडिविजुअल परसूट मैन इलीट फाइनल. थर्ड प्लेस गोज टू राइडर नंबर 120 वेंकप्पा फ्रॉम कर्नाटका विद द टाइमिंग ऑफ 5:00.2502 सेकंड. एंड सेकंड प्लेस गोज टू राइडर नंबर 112 बिलाल अहमद डार फ्रॉम जेनके विद द टाइमिंग ऑफ 4:58.400 सेकंड. फर्स्ट प्लेस गोज टू राइडर नंबर 334 मनजीत सिंह फ्रॉम SSCB विद द टाइमिंग ऑफ 4:56.118 सेकंड. नेक्स्ट रिजल्ट फॉर द इवेंट ऑफ 3 किलोमीटर इंडिविजुअल परसूट वीमेन लीग फाइनल. थर्ड प्लेस गोज टू राइडर नंबर 254 स्वाति सिंह फ्रॉम उड़ीसा विद द टाइमिंग ऑफ 4:23.801 सेकंड. सेकंड प्लेस गोज टू राइडर नंबर 227 आई मोटीवी देवी फ्रॉम मणिपुर विद द टाइमिंग ऑफ 4:21.849 सेकंड. एंड गोल्ड मेडल ऑफ दिस इवेंट गोज टू राइडर नंबर 226 शोभा देवी फ्रॉम मणिपुर विद द टाइमिंग ऑफ 4:18.580 सेकंड. थैंक यू. थैंक यू सो मच. आज के हमारे इस नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप का सबसे मोस्ट अवेटेड राइडर्स ऑन ट्रैक इस साइकिलिंग चैंपियनशिप को आप एंजॉय कर रहे हैं. हमारे साथ हैं 9 राइडर्स साइकिलिस्ट, और जिसको भी आप अप्रिशिएट कर रहे हैं उनके लिए तालियां आवाज़ें शोर चलता रहना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैं बता रहा था दिन में आज की हमारी सबसे मोस्ट अवेटेड मोस्ट रोचक मोस्ट यादगार रहने वाली ये साइकिलिस्ट हमारे साथ है ऑन ट्रैक. एंड ये है हमारे साथ आसाम से चैनिका गोगोई, कर्नाटका से कीर्ति अभिरामी फ्रॉम केरला, मणिपुर से एन विशेश्वरी चानू एंड स्वस्ति फ्रॉम ओडिशा, जिनके पास ऑलरेडी 1 गोल्ड मेडल है. धनमा जो कि ब्रॉन्ज इन एशियन चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल आप जीत चुके हैं. अभिरामी प्रकाश जो कि केरला से हैं 168 सेकंड नंबर के साथ, एंड 448 मोनिका जाट राजस्थान. आपकी हौसला अफजाई इन लोगों के लिए हो सकता है कि नई एनर्जी का काम करें. साइकिलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मशीन, और मैन एंड मशीन के इस हैरतअंगेज अद्भुत कारनामे को हम सभी लोग यहां पर नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2018 एंड 19 में देख रहे हैं आप सभी लोगों के साथ. और इन सभी के लिए तालियां शोर आवाज़ें होता रहना चाहिए, क्योंकि 10 किलोमीटर का एंड 168 इन सभी को अभी तक लीड कर रहे हैं. 26 लैप्स होने के 25 लैप्स अभी बाकी हैं. और जैसा कि अभी सर ने बताया था, सबसे पीछे वाला खिलाड़ी अगर सबसे आगे आ गया तो 20 पॉइंट्स वो अर्जित कर लेते हैं, और आगे आगे सबसे जो खिलाड़ी चल रहा है उनको पीछे वालों ने अगर क्रॉस कर दिया तो वो माइनस में चला जाता है. इसीलिए मैंने कहा था ये सबसे मोस्ट अवेटेड साइकिलिंग का ये इवेंट है. और 168 जो सबसे आगे थे सबसे पीछे हो चुके हैं. नहीं सर, इन साइकिल्स में ब्रेक नहीं होता है. अगर आप एक लैप लूज करते हैं तो -20 में चले जाएंगे.
साइकिलिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैन एंड मशीन, मानसिक ताकत का गेम, शारीरिक ताकत का गेम, शरीर जो सजीव जो एक ताकत देता है निर्जीव को और उसी के वाइस वर्सा वही निर्जीव वापस ताकत देता है सजीव को. सो ये कॉम्बिनेशन बहुत कम खेलों में खासतौर से साइकिलिंग में ही देखने को मिलता है. और अभी सबसे लीड कर रहे हैं 448, राजस्थान लीड कर रही है अभी. तो राजस्थान लीड कर रही है तो फिर राजस्थानियों हमारे जेफ राइट्स हम सभी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हमारे सभी खिलाड़ियों को, हर अलग अलग स्टेट से आए हुए हमारे सभी जितने भी प्लेयर्स हैं यहाँ पर, जितने भी राइडर्स हैं, हम उन सभी को अप्रिशिएट कर रहे हैं. बट खासतौर से अगर हमारी खुद की सरजमी पर हमारा खुद का खिलाड़ी खेल रहा हो तो उनके लिए तो ऑडियंस का सपोर्ट ही काफ़ी होता है. और अगर ऑडियंस का सपोर्ट जोरदार वाला मिल गया तो हो सकता है कि उनमें और भी ज़्यादा एनर्जी आ जाए. कमान 448 अभी भी लीड कर रहे हैं आफ्टर द 9 लैप्स. और ये लीडिंग क्या बरकरार रह पाएगी, क्या बाकी के हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी राइडर्स हैं, क्या उस लीड को बरकरार रहने देंगे? ये तो आने वाले अभी 20 लैप्स बाकी हैं, वो ही बता पाएंगे. ओके, राइडर नंबर थर्टी पर फास्ट रखें. सभी खिलाड़ियों को सूचित किया जाता है थोड़ा कर पर फास्ट रखें. These are after first sprint. Points are like this. Rider number 33, 5 points. Chalo, tez. Rider number 127, 2 points. Riders, karo par tez chalaiye. Rider number 254, 3 points. Rider number 133, 1 point. Are is ladke khelenge yaar. Puri video ban rahi hai na. Puri ban rahi hai. Mere ko yahan perfect banata hu. वेल बहरहाल पॉइंट्स टेबल में अभी चयनिका गोगोई आसाम लीड कर रहे हैं. और ये पॉइंट्स की घड़त बढ़त 19 लैप्स के बाद क्या फैसला सुनाती है ये तो अभी वक्त के गर्भ में छुपा हुआ है. लेकिन होम ग्राउंड में खेलिंग चैंपियनशिप में हमारे होम ग्राउंड की ऑडियंस का साथ मिलना बहुत जरूरी है. पिछली फॉर द 448 हमारी आज की सबसे मोस्ट अवेटेड साइकिलिंग इवेंट है और इसमें एक खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने टोटल 4 मेडल अर्जित किए हैं. एक खिलाड़ी एक राइडर ऐसा है जिनके पास में इंडिविजुअल में एक गोल्ड मेडल है, एक खिलाड़ी जिनके पास में ब्रॉन्ज मेडल है जिनके पास, वो है 254 स्वस्ति सिंह फ्रॉम ओडिशा. रेड वाली है ना, राइडर नंबर 1273 पॉइंट्स. Oh,
एंड 15 लैप्स के बाद अभी भी थ्री चयनिका गोगोई फ्रॉम आसाम अभी पॉइंट टेबल में लीड कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया था इस पॉइंट रेस में हमारे कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जिनके पास में मेडल्स हैं और लास्ट एशियन चैंपियनशिप में लास्ट ईयर ब्रॉन्ज मेडल लेकर आए थे हमारे देश के लिए। धनम्मा फ्रॉम कर्नाटका एक गोल और 15 लैप्स के बाद में जो सबसे लीड कर रही है चयनिका सिंह, इनके पास चार मेडल्स हैं ऑलरेडी। तो ये मेडल्स वाले खिलाड़ी और कुछ नए खिलाड़ी इस पॉइंट रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड बहरहाल अभी और इस नेशनल चैंपियनशिप में खिलाड़ी चाहे आसाम का हो, कर्नाटक का हो, मणिपुर का हो, लेकिन है तो हमारे भारत देश का। सो सभी खिलाड़ियों के लिए एप्रिसिएशन, तालियां, शोर, आवाजें तो बनती है भाई गुलाबी नगरी जयपुर के व्याप पे। कम ऑन एवरीवन, उसकी टच होगी वाह, रूल टच होगा उसका, फिर क्या आएगा। राइडर्स को पे स्लो मत चलाइए, गिर जाओगे। वेल 11 लैप्स अभी बाकी है। राजेंद्र बिश्नोई जी रेलवे से प्लीज यहां आ जाए इधर पवेलियन साइड में। सभी राइडर्स प्लीज थोड़ा फास्ट लें और स्लोप पे तो कम से कम अपनी गति तेज रखिएगा। अरे अच्छा नहीं था रास्ता में पड़ी है, बात करो ये पड़ेगी, ये पड़ेगी, ये भाई जा रही है, ये रिजल्ट दिया ना ड्राइविंग कर रहा है, ये वाह वाह ये टैग टैग बहुत ठग ये मार ला रहे जोर ला रही है वैसे बोले अच्छे सारे चली जाओ रे ये बच गई चली छटा गई बड़े घंटी बजेगी तुमके एक भी बजेगी बजे बाद में भी बाकी करना आज देखो बेटा बला ले जा जल्दी जल्दी अच्छी लगती है Well, National Tag Cycling Championship 2018 and 19, our co-partner Jaipur Nagar Nigam Swachh Sarvekshan Abhiyan 2019. और अभी इवेंट चल रहा है, हम सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं नेशनल टैग साइकिलिंग चैंपियनशिप। अपने अपने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए उनके टीममेट्स, उनके कोचेस टेक्निकल प्रॉब्लम है इसमें, टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है छोटी मोटी बात है दिक्कत हो रही थी सही बात है साले फोन एरिया फेर जाएगा अभी गिरे 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 लोग ना जाए आज
लैब भी तो चार हो गया हमारी सभी ऑडियंस। एक मिनट सर जी सर, आफ्टर फोर स्प्रिंट्स राइडर नंबर 33 इज लीडिंग विद 20 पॉइंट्स, फॉलोड बाय राइडर नंबर 254 विद 12 पॉइंट्स, सेकंड फॉलोअर इज राइडर नंबर 133 विद 7 पॉइंट्स एंड फोर्थ इज राइडर नंबर 127 विद 5 पॉइंट्स। हमारे कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके पास में अपने इंडिविजुअल बहुत सारे मेडल्स हैं और इस पॉइंट रेस में जो लीड कर रहे हैं उनके पास टोटल 4 मेडल्स ऑलरेडी हैं। क्या ये पांचवा मेडल इनके हिस्से आएगा आज? और हमारी ऑडियंस में से एक शख्सियत है जो ऑडियंस के बिहाफ पे और हमारे खिलाड़ियों के लिए कुछ कहना चाहते हैं। सर, मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत से खिलाड़ी यहाँ पर ऐसे हैं, साइक्लिस्ट ऐसे हैं जो जिनकी परिस्थिति ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं रहते हुए भी बहुत अच्छा यहाँ अपना प्रदर्शन कर रहे हैं जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग वेलोड्रोम पे। तो उनकी एक कोटेशन है कि मुश्किलों से भाग जाना जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है, डरने वालों को मिला नहीं इस जिंदगी में। लड़ने वालों को मिला नहीं कुछ नहीं जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। और ये यहाँ प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है कि बहुत से खिलाड़ी ऐसे हैं जो पहले दिन यहाँ गिर चुके थे, इंजर्ड हो चुके थे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहे और अपने हौसले और दमखम के बदलो आत्मविश्वास के बल पर आज यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और जयपुर के अंतर्राष्ट्रीय साइकिलिंग वेलोड्रोम में अपना प्रदर्शन दिखा रहे हैं। धन्यवाद सर।